हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ICAR टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूं कि परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, गुजरात में किस नाम से मशहूर उद्योगपति विरल सुधीर भाई देसाई को ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ग्रीन मैन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। गुजरात के ग्रीन मैन या ग्रीन मैन के नाम से मशहूर सूरत के उद्योगपति विरल सुधीर भाई देसाई को ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आलिया भट्ट। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को हाल ही में अनुकूल फैशन उद्योग के समर्थन में काम करने के लिए पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़कर कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट चटकाने वाले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऋषभ पंत। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में 100 कैच लेने वाले चौथे भारतीय और दुनिया विकेट कीपर बन गए हैं। वह अब महेंद्र सिंह धोनी 256, सैयद किरमानी 160 और किरण मोरे 110 की लिस्ट में शामिल होकर 42वें विकेट कीपर बन गए हैं। पंत इससे पहले सेंचुरियन टेस्ट में भारत के लिए टेस्ट में सबसे तेज शिकार करने वाले पहले विकेट कीपर बने थे। चौथा क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए नीति 2021 का अनावरण किया गया। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। तमिलनाडु सरकार ने 30 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु राज्य की महिलाओं के लिए नीति 2021 ड्राफ्ट का अनावरण किया। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने राष्ट्र को एक संकल्प स्मारक समर्पित, ये कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंडमान निकोबार। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अंडमान निकोबार में बना 78 साल पहले की नेताजी को की यादों को जीवंत करना संकल्प स्मारक अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने 29 दिसंबर को नेताजी के आगमन के ठीक 78 साल बाद यहां एक संकल्प स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया। छठा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश द्वारा हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की गई। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। पाकिस्तान ने बुधवार को घोषणा की है उसने मुस्लिम बहुल देश में अल्पसंख्यक समुदाय के मंदिरों की देखभाल के लिए हिंदू नेताओं की पहली संस्था का गठन किया है। धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने पहले से काम कर रहे पाकिस्तानी सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की तर्ज पर पाकिस्तान हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वीरांगना लक्ष्मीबाई। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है। अब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन अब वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामक सड़क का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सिक्किम में सोमगो झील और नाथुला सीमा दर्रे को राजधानी गंगटोक से जोड़ने वाली दूसरी सड़क को नरेंद्र मोदी मार्ग नाम दिया गया है। सिक्किम में शामगो झील नाथुला वाडर को राजधानी गंगटोक से जोड़ने वाली सड़क का नाम पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। इस नई बनी सड़क का आधिकारिक उद्घाटन राज्यपाल गंगा प्रसाद ने किया है। नवा क्वेश्चन, हाल ही में किसने 13,165 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को 13,165 करोड़ रुपए के सैन्य प्लेटफॉर्म उपकरणों की खरीद के लिए मंजूरी दे दी है, जिनमें 25 स्वदेश विकसित आधुनिक हल्के AL-H Mark III हेलीकॉप्टर शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा हेलीकॉप्टर खरीदने की लागत 3,850 करोड़ रुपए आंकी गई है। वही रॉकेट गोला बारूद की खेप 4,962 करोड़ रुपए में खरीदी जाएगी। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, नजला बोडेन रोमधाने हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ट्यूनिशिया। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। नजला बोडेन रोमधाने 29 सितंबर 2021 को ट्यूनिशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अगला क्वेश्चन, पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जापान। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। जापान के पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा ने बुधवार को सत्तारूढ़ पार्टी के नेता पद का चुनाव जीत लिया। इसके साथ ही उनका प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। प्रधानमंत्री बनने पर 64 वर्षीय किशिदा के समक्ष महामारी का दंश झेल रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और बढ़ते क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए अमेरिका के साथ मजबूत गठबंधन बनाने की चुनौती होगी। 12वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई? 1 मई 2016 को। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत के गरीब परिवारों की महिलाओं के चेहरों पर खुशी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन मिलेंगे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ है? वर्ष 1956 में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। 9 नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडुचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 ईस्वी को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। सोगा, अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रक होते हैं जिनके नाम हैं प्राथमिक कृषि तथा संबंधित गतिविधियां, द्वितीयक विनिर्माण आदि तथा तृतीयक सेवाएं। 15वां क्वेश्चन, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत। भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है? केबल का टूट जाना। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के कई कारण हैं, जिनके प्रमुख है केबल टूट जाना, बिजली आपूर्ति का बाधित होना, संचार भवनों के ध्वस्त होने पर संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त होना, ट्रांसमिशन टीवर का क्षतिग्रस्त होना आदि। वैकल्पिक संचार साधनों में रेडियो संचार एवं अथवा हेम रेडियो एवं उपग्रह संचार आदि प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था है? इनमें से सभी।
ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रेडियो उपग्रह हैंड रेडियो। अगला क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन है गाइस, मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? इंफ्रारेड कैमरा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भूकंप के मलबे में दबे मानव विषयों के बारे में बहुमूल्य जानकारी का पता लगाने और प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकने वाला एक नया संवेदनशील अवरक्त जीवन पता लगाने वाला तंत्र इंफ्रारेड कैमरा है। 19वां क्वेश्चन गाइस है, बस्ती में आग लगने पर निम्नांकित में कौन सा कार्य आवश्यक है? अग्निशामक बुलाना। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है गाइस, इनमें से कौन सा कार्य जले हुए लोगों के लिए नहीं करने चाहिए? तेल का लेप लगाना। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने हेतु किस बात की अनुमति दी थी? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बल प्रयोग का। अगला क्वेश्चन है गाइस, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा किस कारण से दिया? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कुवैत को मुक्त कराने हेतु इराक पर बल प्रयोग की अनुमति संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिया जाना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 6 जुलाई 1946 को जन्मे जॉर्ज वॉकर बुश अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपना पदभार 20 जनवरी सन 2001 को ग्रहण किया था। 20 जनवरी 2009 को उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के नव निर्वाचित बराक ओबामा को सत्ता सौंप दी। बुश को सन 2004 के राष्ट्रपति के चुनाव में 4 वर्षों के लिए दोबारा चुन लिया गया था। अगला क्वेश्चन, कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है? अमेरिका की अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह है दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पहले नंबर पर आ जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, जीडीपी नाम मात्र 21.43 ट्रिलियन डॉलर। अगली है चाइना, जीडीपी नाम मात्र 14.14 ट्रिलियन डॉलर। अगली जीडीपी जापान 5.14 ट्रिलियन डॉलर। अगली है जर्मनी, जीडीपी 3.95 ट्रिलियन डॉलर। अगली है भारत की जीडीपी 2.93 ट्रिलियन डॉलर। इसके बाद फ्रांस का नंबर आता है, फिर आता है यूनाइटेड किंगडम यानी इटली का, यूनाइटेड किंगडम, इसके बाद इटली का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहा जाता है? तो प्रथम खाड़ी युद्ध इराक कुवैत अमेरिका की लड़ाई को कहा जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। खाड़ी युद्ध इसे प्रथम खाड़ी युद्ध के में भी जाना जाता है। 2 अगस्त 1990 से 28 फरवरी 1991 संयुक्त राज्य के नेतृत्व में 34 राष्ट्रों से संयुक्त राष्ट्र के अधिकृत गठबंधन बल इराक के खिलाफ छेड़ा गया युद्ध था। इस युद्ध का उद्देश्य 2 अगस्त 1990 को हुए आक्रमण और अनुबंध के बाद इराकी बलों को कुवैत से बाहर निकालना था। 25वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस कार्रवाई से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमति ले ली गई थी। ऑप्शन सी इज राइट। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इराक पर हमला करने के इच्छुक अमेरिकी अगुवाई वाले गठबंधन में 40 से ज्यादा देश शामिल हुए। इराक पर हमले का कारण बताते हुए कहा गया कि यह हमला इराक को सामूहिक संघार के हथियार बनाने से रोकने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहनी फसलों के बीच उपचार हेतु निम्न में से कौन सी कल्चर अपनाते हैं? राइजोबियम। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस, क्वेश्चन है गेहूं में बीज उपचार हेतु निम्न में से कौन सा कल्चर काम में लेते हैं? एजेटोबैक्टर। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस, चावल की उत्परिवर्तन किस्म निम्न में से कौन सी है? जगन्नाथ। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं।
धान के बीज को चावल कहते हैं। यह धान से ऊपर का छिलका हटाने से प्राप्त होता है। चावल संपूर्ण पूर्वी जगत में प्रमुख रूप से खाया जाने वाला अनाज है। भारत में भात, खिचड़ी सहित काफी सारे पकवान बनते हैं। चावल का चलन दक्षिण भारत और पूर्वी दक्षिणी भारत में उत्तर भारत से अधिक है। अगला क्वेश्चन, विश्व की पहली जादुई धान किसे कहा जाता है? IR8, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 50 के दशक में भारत सहित कई एशियाई देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहे थे, लेकिन तभी धान की एक नई किस्म विकसित की गई जिसमें कई देशों की भुखमरी दूर कर दी गई। धान की इस किस्म को IR8 कहा गया। इसमें धान की उपज इतनी अधिक बढ़ गई कि 1966 में विश्व में धान का उत्पादन 25.7 करोड़ टन होता था, जो 2015 में बढ़कर 74 करोड़ टन तक पहुंच गया। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली जादुई धान किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जया। गाइस अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। वास्तव में इस क्रांति का उद्देश्य भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले देशों की श्रेणी में लाना था। इस प्रोग्राम ने एक समय तक दूध की कमी से जूझने वाले भारत को दुनिया में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाया। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। गाइस अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं? डॉक्टर वी कुरियन, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाने वाले वर्गीज कुरियन की मृत्यु हो गई है। वो 90 वर्ष के थे। केरल में जन्मे कुरियन को गुजरात के आणंद शहर में सहकारी डेयरी विकास के एक सफल मॉडल की स्थापना करने और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बनाने के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? राइस बॉल ऑफ इंडिया, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्य है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग का विभाजन कर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया और अगले 10 वर्षों के लिए हैदराबाद को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी घोषित किया गया। 10 वर्षों के बाद आंध्र प्रदेश को नई राजधानी का चयन करना होगा। इसके लिए अमरावती को चुना गया है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। इसे भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। यह तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा राज्यों व बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धान। गाइस अगला क्वेश्चन है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? चावल, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। दिए गए फसलों में चावल सर्वाधिक उपजने वाली फसल है। वर्ष 2019-20 के आंकड़ों में उपरोक्त फसलों का उत्पादन मीट्रिक टन में निम्बत चावल 118.4, गेहूं 107.6, मक्का 28.6, जबकि ज्वार का उत्पादन 4.7 मेट्रिक टन रहा। वैदिक शिक्षा वैदिक एजुकेशन का प्रमुख संस्कार था? उपनयन संस्कार, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। वैदिक काल में बालकों को 5 से 7 वर्ष तक की अवस्था में घर पर ही शिक्षा दी जाती थी। इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए बालक को अपना गृह त्याग कर गुरु की शरण में जाना पड़ता था। गुरुकुल में प्रवेश से पूर्व गुरु अपने शिक्षार्थियों का उपनयन संस्कार किया करते थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस। अगला क्वेश्चन है, सर चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ 19 जुलाई 1854, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 ईस्वी में तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसमें यह कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों की मातृभाषा होनी चाहिए। उच्च शिक्षा यानी कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत किसने
किसने दिया था? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, थॉमस बैगिंगटन मैकाले। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। मैकाले ने इसके अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत दिया, जिसके तहत भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था, ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से भारतीयों हो, लेकिन विचारों, नैतिकता और बुद्धिमत्ता में ब्रिटिश हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है थॉमस मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1835 ईस्वी में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। लॉर्ड थॉमस बैगिंगटन मैकाले, थॉमस बैगिंगटन मैकाले 25 अक्टूबर 1800 से 28 दिसंबर 1849 ब्रिटेन का राजनीतिक कवि, इतिहासकार था, निबंधकार और समीक्षक के रूप में उनसे ब्रिटिश इतिहास पर जमकर लिखा। सन 1834 से 1838 तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिलिंग में लॉ चैम्बर सॉरी लॉ मेंबर और लॉ कमीशन का प्रधान रहे। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ दी इंडियन पिनल कोड की पांडुलिपि इन्हीं ने तैयार की थी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां सिफारिश से संबंधित हैं, राधा कृष्णन कमीशन। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उच्च शिक्षा से 1948। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत सरकार द्वारा 1948 के नवंबर माह में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। 1947 में भारत के आजाद होने के बाद इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई कि देश की विश्वविद्यालय शिक्षा का पुनर्रचना की जाए, ताकि वह राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान में सहायक हो, साथ ही वैज्ञानिक, तकनीकी एवं अन्य प्रकार के मानव शक्ति का विकास सुनिश्चित करे। अगले क्वेश्चन की बात करें गाइस, एनसीईआरटी द्वारा भारत में क्रियात्मक अनुसंधान की प्रथम पोस्टर रिसर्च एंड एजुकेशन की रचना कब की गई? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1962। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास 1926 में माना जाता है। बर्मिंघम में अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स में अध्यापकों के लिए अनुसंधान की आवश्यकता पर बल दिया। स्टीफन एम कुरेजो कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इन्होंने 1953 में क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा की समस्याओं के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान में अंतिम पद कौन सा है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निष्कर्षों की जांच। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की कार्य प्रणाली में सुधार एवं परिवर्तन लाने के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है। क्रियात्मक अनुसंधान दो शब्दों का योग है, क्रियात्मक प्लस अनुसंधान, अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान व्यक्ति के क्रियात्मक पक्षों से संबंधित है। अपने सामान्य अर्थ में किसी व्यक्ति द्वारा अपनी क्रियाओं को सुधारने के लिए विधियां खोजना क्रियात्मक अनुसंधान है। अगला क्वेश्चन गाइस, अगला क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समस्याओं का हल अभ्यास में लाया जाता है और उसका मूल्यांकन सही नहीं किया जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में जो समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्याओं का हल अभ्यास में ले जाया जाता है, उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान में ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया जिसका उद्देश्य मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके नवीन तत्वों की खोज करना, जीवन सत्य की स्थापना करना तथा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है। अनुसंधान एक सोमस्य प्रक्रिया जिसके द्वारा मानव ज्ञान वृद्धि की जाती है। अनुसंधान के अंतर्गत तत्कालीन प्रयोग पर अधिक बल देते हैं। अगला क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से मिलना है क्योंकि, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यह शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन द्वारा किया जाता है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोल का जलना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। दहन अभिक्रिया जलने की एक सरल परिभाषा, यह दहन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक आक्सी कारक के साथ अभिक्रिया करके ईंधन को ऑक्सीकरण किया जाता है।
ऊर्जा जारी करता है। आमतौर पर ऊर्जा के रूप में दहन अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं और आमतौर पर बहुत ऊष्माक्षेपी होती हैं। अगला क्वेश्चन, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। रसायन विज्ञान, सामान्य ज्ञान, केमिस्ट्री, जीके श्रेणी के प्रश्न साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना ये उसकी उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? NO2, O2, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। जब सीसा नाइट्रेट को बस गर्म किया जाता है तो प्रतिक्रिया का प्रकार थर्मल अपघटन प्रतिक्रिया होगी। लीड नाइट्रेट एक सफेद रंग का यौगिक होता है। जब इसे गर्म किया जाता है तो इसे देने के लिए विघटित होता है सीसा ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, NO2CO3 10H2O। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।